मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉन फर्नीचर बनाने के लिए पेड़ काट रहा है। जॉन की एक बहुत ही सुंदर पत्नी है जिसे वो बहुत प्यार करता है। अगले दिन हमें पता चलता है कि एडी को गोल्ड से बहुत प्यार है, इसलिए एडी पार्टी के लिए गोल्डन ड्रेस पहनकर तैयार होती है। तभी जॉन कहता है कि आज मेरा साथी काम पर नहीं आया है, इसलिए आज तुम्हें मेरे साथ जंगल चलना पड़ेगा। जॉन पेड़ काटकर एडी से रस्सी खींचने को कहता है, पर रस्सी में लकड़ी फंसने के कारण रस्सी अटक जाती है। पेड़ गिरने पर एडी भागने की कोशिश करती है, पर पेड़ उसके हाथ पर गिर जाता है। एडी का खून रोकने के लिए जॉन को मजबूरी में उसका हाथ काटना पड़ता है। एडी का हाथ ठीक हो चुका था, पर उसे अपने आप से नफरत होने लगी थी। जॉन एक दिन एडी के लिए लोहे का हाथ लाता है, पर एडी उसे मना कर देती है। एडी को बाहर जाने में शर्म आने लगी थी और वो रातों को रोती रहती थी, इसलिए जॉन एडी के लिए एक स्टील का हाथ डिजाइन करता है। पर एडी कहती है कि मुझे सोने का हाथ चाहिए। जॉन कहता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, पर जॉन एडी की जिद के आगे झुक जाता है। बेचारा जॉन अपना ट्रैक्टर और खेत बेचकर एडी के लिए सोने का हाथ बना देता है, जिसे पहनकर एडी बहुत खुश होती है। एडी को मार्केट में एक बच्ची कहती है कि आप सोने के हाथ में प्रिंसेस लग रही हो, जिसे सुनकर एडी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मेरे यहाँ होती तो चोर कब के हाथ चुरा ले जाते। कुछ दिन बाद एडी की बॉडी में इन्फेक्शन होने लगता है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें सोने का हाथ निकालना होगा, नहीं तो तुम मर जाओगी। एडी हाथ निकालने से मना कर देती है, जिसके बाद एडी की मौत हो जाती है। एडी की आखिरी इच्छा थी कि उसके हाथ को कब्र में ही दफनाया जाए। जॉन पत्नी के गम में काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए जॉन के ऊपर बहुत कर्ज हो गया था। जॉन एक दिन तय करता है कि वो एडी के गोल्ड के हाथ को बेचकर कर्जा चुकाएगा। जॉन जैसे ही हाथ को बॉडी से अलग करता है तो एडी की आंखें खुल जाती है, जिसे देखकर जॉन डरकर भाग जाता है। जॉन घर आकर बहुत खुश होता है, तभी एडी का भूत घर आ जाता है। जॉन हाथ को लेकर डर के मारे कंबल में छुप जाता है, पर एडी के मांगने पर उसका हाथ वापस कर देता है। सब कुछ शांत होने पर जॉन कंबल हटा लेता है, तभी एडी कुल्हाड़ी से जॉन को मार देती है। दोस्तों, जॉन ने एडी की जिद मानकर सही किया था या गलत कमेंट करके बताया।